करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका डायरेक्शन निकालने आना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड इसमें और आगे जो चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों चैप्टर मिला के कम से कम 5-6 फॉर्मूले ऐसे आएंगे जिनमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है और उसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये डायरेक्शन निकालने नहीं आता तो हम ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं सबसे पहले सिखाऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए कई सारे तरीके हैं, आप बुक्स में पढ़ेंगे तो हर फॉर्मूले के लिए, जो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले यहां पर आएंगे, हर फॉर्मूले के लिए एक अलग अलग रूल दिया हुआ है। लेकिन चूंकि सारे फॉर्मूले क्रॉस प्रोडक्ट वाले ही हैं, तो अगर हमें एक फॉर्मूला कोई बढ़िया से पता हो तो उसको अप्लाई करके हमेशा डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं एक ही फॉर्मूला, एक ही रूल सिखाऊंगा जिसको अप्लाई करके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, है ना। तो कई सारे रूल्स होते हैं जिसमें से हम लोग सीखेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ये रूल जो है मेरे ख्याल से सबसे आसान है, है ना। इसमें कोई हाथ कोई इधर उधर घुमाना नहीं है। एक राइट हैंड थंब रूल भी होता है, कई लोग उसको भी सीखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हाथ कभी इधर से उधर से घुमाना होता है, काफी टेढ़े मेढ़े हाथ करना पड़ता है, थोड़ी मुश्किल आ सकती है। इसलिए मैं सबसे आसान वाला रूल जो है वो समझा रहा हूं, राइट हैंड स्क्रू। अब इसमें जो वर्ड आया है राइट हैंड स्क्रू, तो राइट हैंड स्क्रू का मतलब पहले समझते हैं, है ना। राइट हैंड स्क्रू का मतलब है हम लोग राइट हैंड से स्क्रू को यूज करेंगे तभी उसको फील कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये दीवार है, है ना। इस दीवार में कोई स्क्रू हमने डाला और उसको जब क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, ऐसे घुमाने से, क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू टाइट होता है। स्क्रू टाइट होने का मतलब क्या, दीवार के अंदर जाता है, ठीक। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने से स्क्रू खुलता है। स्क्रू खुलने का मतलब दीवार से बाहर आएगा, ठीक। तो हमें तो पता होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ दो ही डायरेक्शन में हो सकता है, इनवर्ड आउटवर्ड। तो इनवर्ड आउटवर्ड समझने के लिए हमें सिर्फ ये पता करना होगा कि स्क्रू जो है वो अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। अगर स्क्रू का मूवमेंट अंदर की तरफ है यानी कि टाइट हो रहा है तो इनवर्ड डायरेक्शन, और अगर स्क्रू खुल रहा है यानी कि दीवार से बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड स्क्रू का मतलब हमेशा राइट हैंड से यूज करके फील करना है उसको, कि क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे ऐसे तो अंदर जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर आएगा, ठीक। अगर मान लिया ये दीवार नहीं, कोई कहता है कि दीवार तो मेरा सामने है, इधर है ना, मतलब जो दीवार है वो इधर है, तो मैं स्क्रू को ऐसे डालूंगा, ऐसे डालूंगा तो इस तरह से घुमाऊंगा, मतलब मैं देख रहा हूं तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू इस दीवार के अंदर जाएगा तो इनवर्ड हो गया, और ऐसे घुमाऊंगा तो स्क्रू खुलेगा यानी कि बाहर आएगा यानी मेरी तरफ आएगा। तो कोई भी दीवार हो वहां पर स्क्रू रखेंगे और स्क्रू का मोशन देखेंगे, स्क्रू का मोशन ही बताएगा कि राइट हैंड जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो हम लोग सीखते हैं कि राइट हैंड स्क्रू रूल है क्या। जैसे अपने पास दो वेक्टर दिए गए, एक वेक्टर दे दिया गया यहां पर बी और एक वेक्टर जो है वो दे दिया गया है ए, ठीक। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से या किसी भी रूल से क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना हो तो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि दोनों वेक्टर का टेल एक जगह मिलाना चाहिए। तो पहले वो काम करेंगे। इसमें हमें पता है कि जब किसी वेक्टर को खुद के पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता या वेक्टर चेंज नहीं होता, तो उसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट वन ऑफ द वेक्टर्स सच दैट their tails coincide, है ना। इस तरह से शिफ्ट करना है कि इनका टेल जो है वो क्वानसाइड कर जाए। अब चाहे तो ए को यहां ला सकते हैं पैरेलल शिफ्ट करके, लेंथ चेंज नहीं करना है, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना, रोटेट नहीं करना, उसे खुद के पैरेलल ला देना है। अब दोनों का टेल मिल गया तो ये दोनों के बीच का एंगल हो गया। या कोई ये भी कर सकता था कि बी को शिफ्ट करके वहां ले जाता, जैसे ये है
इसके पैरेलल यहां पर बी ला दिया हमने, तो ये हो गया बी और ये हो गया ए, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो या तो ए को यहां लाएंगे या बी को वहां ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंगल अभी भी थीटा है, वैसे ही दोनों के टेल्स मिल रहे हैं। ठीक, अब जो है जैसे ये वाला जो फिगर है, मैं इसको आगे बनाता हूं यहां पर, कि जैसे ये तो हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इसमें हमें हो सकता है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना हो या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना होगा। तो जब भी हमें इनका डायरेक्शन निकालना होगा, ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट में लिखा है इसको हम लोग मानते हैं कि ये फर्स्ट वेक्टर है, और जो राइट में लिखा है ये सेकेंड वेक्टर है। ठीक है, लेफ्ट वाला हमेशा फर्स्ट और राइट वाला हमेशा सेकेंड माना जाएगा। ठीक, ये भी पता है हमें कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है, ये जो दो वेक्टर हैं इन वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो हमारा जो स्क्रू है वो भी इनके प्लेन के परपेंडिकुलर ही रखना होगा। तो क्या करेंगे, पुट राइट हैंड स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेल्स सच दैट स्क्रू इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब जो दो वेक्टर्स हैं उनके प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू को रखना है, कहां पर, उनका टेल का इंटरसेक्शन पॉइंट पर। जैसे देखेंगे कि ए और बी यहां मिल रहा है और ये बोर्ड के प्लेन में है, तो मैं एक स्क्रू रखूंगा ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर और टेल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, ऐसे स्क्रू को रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रू तो हमने रख दिया यहां पर, इस तरह से स्क्रू रख दिया, कोई चाहे तो पीछे से भी रख सकता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये दो वेक्टर हो गए है ना, तो स्क्रू को मैं यहां से रख सकता हूं या मैं पीछे से भी रख सकता हूं, अपना रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैं किधर से रखूंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू रखने के बाद स्क्रू को घुमाना है, टर्न द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर वाया स्मॉलर एंगल। ठीक है, अब जैसे ये ए और बी वेक्टर है, तो देखेंगे कि एक बड़ा सा एंगल बन रहा है ये फाई, एक छोटा सा एंगल बन रहा है थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो थीटा है इसी को एंगल बिटवीन वेक्टर माना जाता है। तो कहा गया कि स्क्रू को यहां तो पहले रखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट पर प्लेन के परपेंडिकुलर, और फिर स्क्रू को घुमाना है। तो घुमाने के लिए कहा गया कि फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ टर्न करना है, फर्स्ट वेक्टर टर्न द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। तो अगर मैंने यहां स्क्रू रखा है तो स्क्रू को मैं ए से बी की तरफ घुमाऊंगा, और ए से बी की तरफ घुमाने के दो रास्ते होते हैं, एक तो ए से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता हूं, और एक तो इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ले जा सकता हूं। ठीक, तो इसमें कहा गया वाया स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल मतलब कि थीटा से होते हुए जाना है, फाई से होते हुए नहीं जाना। तो मैं ए से बी की तरफ घुमाऊंगा ऐसे छोटे वाले एंगल से होते हुए, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाने से मैं बड़े वाले एंगल से होकर जाना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना पड़ेगा ए से बी जाने के लिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से थीटा छोटा एंगल से होकर के जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए से बी घुमाया, तो आप ऐसे जैसे मैंने समझाया था, आप यहां पर स्क्रू को फील कर सकते हैं, ऐसे ए से बी घुमाना है, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू खुलेगा। स्क्रू खुलने का मतलब क्या हुआ, बोर्ड से बाहर आएगा, यानी कि इसके प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया इसका। ठीक है, तो जो फिगर में दिखाया गया है, इस फिगर में आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो
अगर हम लोग ऐसे स्क्रू को टर्न करते हैं तो टर्न करने से स्क्रू किधर जाएगा, अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, वही क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, है ना। तो कहते हैं द मूवमेंट ऑफ राइट हैंड स्क्रू विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। अब जैसे यहां पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमने निकाला यहां पर, तो ये तो बाहर आ गया। अगर मैं बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालूं तो क्या आएगा, जैसे ये अपना बी वेक्टर है और ये अपना ए वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, ठीक। तो जैसा कि मैंने यहां पर वेक्टर बनाया है, आपको राइट हैंड स्क्रू लगाने के लिए दो वेक्टर लेना जरूरी नहीं है, आप दो उंगलियों को यूज कर सकते हैं। जैसे देखेंगे एक जो है थंब है, थंब को मैंने वेक्टर ए की तरफ कर दिया और ये जो फिंगर है इसको मैंने बी की तरफ कर दिया, तो अपने पास दो वेक्टर आ गए। अब इनका जो प्लेन है ये प्लेन बन गया, है ना। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो हम लोग स्क्रू को रखेंगे इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर रखना है, या तो यहां पर ऐसे रखेंगे या पीछे से रखेंगे। तो हमारे लिए सुविधा तो इधर से रखने से है, तो इधर से रखेंगे, ठीक है। अब इधर से रखने से क्या होगा कि हमें अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए फर्स्ट है बी सेकेंड है, तो ए से बी की तरफ, यहां पर ए नीचे है, है ना, तो ए से बी की तरफ ऐसे घुमाना पड़ेगा मुझे, ए से बी की तरफ घुमाना है। तो स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू खुलेगा। लेकिन अगर कोई बी क्रॉस ए पूछ रहा हो तो क्या होगा, अगर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना हो तो बी फर्स्ट कहलाएगा और ए जो है वो सेकेंड कहलाएगा। ध्यान रखना है कि ये बी है और ये ए है। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना हो तो बी से ए की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे, और वो भी छोटे वाले एंगल से, जैसा कि यहां कहा गया स्मॉलर एंगल से होते हुए, तो बी से ए लाएंगे, यानी यहां से ऐसे लाएंगे, तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाऊं ऐसे ऐसे, तो स्क्रू टाइट होगा। टाइट होने का मतलब स्क्रू दीवार में जाएगा, अंदर जाएगा, तो इनवर्ड डायरेक्शन हो गया बी क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा दोनों के लिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ए क्रॉस बी बाहर आया और बी क्रॉस ए इनवर्ड डायरेक्शन में आया।